बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। नाइन्थ क्लास इंग्लिश बहुत अहम पेपर है, नाइन्थ क्लास के इंग्लिश का। आप तमाम स्टूडेंट्स को पूरा पेपर बताऊंगा कि आपके पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आने हैं, आपके पेपर के अंदर कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए पैरा वर्ड्स, ईडियम्स, लेटर्स, समरीज कौन कौन सी आने जा रही हैं तो पूरा देखें समझें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप ना हो। सबसे पहले जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए है वो है क्वेश्चन नंबर वन, लिखा हुआ है फॉर विच एबिलिटी वाज द अरब फेमस। ये सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नंबर दो है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री। नंबर थ्री है हाउ वाज अब्दुल्ला बिन सब्बार रजी अल्लाह तआला अनह। नंबर फोर व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आजम। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज हैवी आयरन हैंग एट द एंट्रेंस ऑफ सुल्तान्स कोर्ट। नंबर सिक्स पे जो क्वेश्चन आपने करना है वो है व्हाई डिड नर्स आस्क हरसेल्फ द क्वेश्चन वाज इट वर्थ वाइल टू अपोज एंड फाइट द डिसीजन ऑफ सीनियर सर्जन्स। ये क्वेश्चन है सिक्स नंबर पे। सेवन पे अगर आके देखें, सेवन नाइन टेन पे अगर देखें तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। काउंसलिंग का क्या रोल है ड्रग एडिक्शन, जो नशावर अदवियात होती हैं, मनशियात के आदि होते हैं, उनसे बचाने के लिए उनको। नंबर एट हु इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क अ काज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नाइन व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक, यानी होली कुरान जो है उसको अरबी में क्यों भेजा गया, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू मीडिया प्रोवाइड, हमें मीडिया से कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये सारे करने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ नर्स इन द स्टोरी एंड व्हाट डू यू थिंक मदरसा एंड हाउसवाइफ वाज अ पार्ट ऑफ द मॉस्क। उसके बाद नेक्स्ट 13 नंबर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग, हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट इज़ अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नंबर 15 से लेकर 18 तक जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत आम क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 16 हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज़म। नंबर 17 हाउ डिड हज़रत आसिम रजी अल्लाह ताला अन्ह कंसोल हर ग्रैंड फादर। नंबर 18 व्हाट वाज द कायद आजम कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन। नंबर 19 देखें आर ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स। नंबर 20 वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड एंड नंबर 21 हाउ वाज हेलन केलर। नंबर 22 व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म। उसके बाद नंबर 23 पे बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, व्हाट इज़ एन आईसीयू इन हॉस्पिटल एंड नंबर 24 व्हाट मेक यू फील दैट आर्थर इज सैड एंड डिप्रेस्ड। नंबर 25 व्हाट फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस। नंबर 26 व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। उसके बाद जो नेक्स्ट है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो गेस हैं, जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स के कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पैराग्राफ इसमें से आएंगे आप तमाम स्टूडेंट्स को वो बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम बात करें तो उसमें आपके लिए ये वाला क्वेश्चन जो है, जिसमें आपको ड्यूरिंग द पैरलस से शुरू होता है पैराग्राफ, इसकी जो ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में अबू बकर सिद्दीक तक। चैप्टर नंबर 3 जो है देयर आर टू मीन्स आगे एंटरटेनमेंट तक, ये आपने पूरा जो है वो करना है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर अगर देखें तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट से शुरू होगा पैराग्राफ और एंड तक जाएगा विद अदर तक। आगे जो है पार्ट सी में चैप्टर नंबर 1 है अरेबिया इज़ अ लैंड, यहाँ से शुरू होता है पैरा और रेड सी तक जाता है। फिर आगे चैप्टर नंबर 19 को देखें तो इट वाज़ द बिगनिंग दैट से शुरू होगा द वर्ड तक जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में देखें पैट्रियटिज्म गिवन डैश से शुरू होगा दिस वैल्यू तक जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो पैराग्राफ है द आइडियोलॉजी ऑफ डैश से आगे शुरू हो रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेड तक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक है माई डियर अंकल से शुरू होता है और एंड तक दी अटैम्प्ट तक जाता है। ये आपने पैराग्राफ जो है ये करने हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स का जो पेपर है उसमें कोई भी कमी ना रहे। अब अगर हम आएँ यहाँ पे ईडियम्स के बारे में तो फ्रेजेस ईडियम्स कौन कौन से आपके पेपर में आने हैं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेज़ हैं, ईडियम्स हैं जो आपने करने हैं। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेजेज़ ईडियम्स जो हैं वो आपने मस्ट ये वाले करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से आपने, माइग्रेशन नंबर टू है, डिटर्मिनेशन, नेशनलिज्म, ह्यूमिलिटी, डेक्स्ट्रियसली, प्रॉस्पेरिटी, इन्वेजन। उसके बाद नेक्स्ट है कोरेक्टिव, फिर आगे आ जाता है सुप्रीम, रिफ्यूज, डेलीगेशन, एलिविएट। उसके बाद नेक्स्ट है 13 पे है कंपेनियन, इन्फ्यूरेटेड, 15 है कमेंडेबल, 16 है रिक्रूट, 17 है अबैंडन, नंबर 18 बाउंटीज, नंबर 19 फटीग। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने मैं पूरे के पूरा दिखा रहा हूँ आपको, अर्ज, अवे फ्रॉम, एब्सोल्यूट, मदरलैंड, एमर्जेंस, फिट ऑफ फ्यूरी, गिव अवे, स्पेशियस, अ क्लिक अवे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके ईडियम्स हैं जो आपने करने हैं। यहाँ पे आपको चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, जो आपने वॉइसेस करनी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कौन कौन से पेपर में आने हैं ये आपके सामने है, ये नोट कर लें। दे आर बाइंग दिस हाउस, नंबर टू, वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, नंबर थ्री, ही विल राइट अ लेटर, नंबर फोर, वी डिड नॉट हियर अ साउंड, नंबर फाइव, दे हैव बॉट अ हाउस, नंबर सिक्स, शी बॉट 5 वीडियोस फिल्म, शट द डोर, दे आर बाइंग दिस हाउस। उसके बाद आगे जो है आखिरी इसमें जो आपके सामने है, द मदर लव्स द चिल्ड्रन, दे हैव बॉट अ हर्स, वाई इज शी मेंडिंग द चेयर, शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर, द कार रन्स ओवर एन ओल्ड मैन। ये आपके हैं पेयर ऑफ वर्ड्स ईडियम्स, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लेटर्स जो आपने करने हैं। इंग्लिश वीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेटर्स का, तो लेटर्स जो आपने करने हैं, सबसे पहला लेटर है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ द हॉस्टल ड्यूज, नंबर टू, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, उसके बाद नंबर थ्री, write a letter to your friend condoling the death of his her mother, number 4, write a letter to your mother who is worried about your health, number 5, write a letter to your sister congratulating her on her success in the exam, number 6, write a letter to your sister thanking for her a gift। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं। अगर ये पैसे वाई, एक्टिव वाई, पैसे वाई, ये 14 तक मैंने आपको बताए हैं, ये भी आपने कर लेने हैं। ये 15 से लेकर 20 तक ये भी आपने लाजमी करने हैं। वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, दे हैड गेन्ड नथिंग, द टीचर वाज हेल्पिंग, ही टुक अवे माय बुक, द बॉय इज़ क्लाइमिंग द वॉल, ही प्रेज द बॉय फॉर हिज कर्ज। ये आपने लाजमी कर लेना है। ये है जी आपका पेपर इंग्लिश ए, इंग्लिश बी, इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव आए, पैसिव आए, उसके बाद कौन कौन से लेटर्स, कौन कौन से पैराग्राफ जो ट्रांसलेशन आपने करनी है इंग्लिश टू उर्दू, ये मैंने सारी आपको बताई है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको सारे बताए हैं कि जो पेपर में आपके आने हैं, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस आपके इसी में से आने हैं। आप इसको नोट कर लें और खान टीचिंग साथ टच रहे ताकि आपको हर एक गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करेगा।